अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चाणक्य ने कहा था कि बुझती राख से भी आग प्रज्वलित की जा सकती है, अंधेरों में घिरी छाया से भी प्रकाश का सोता निचोड़ा जा सकता है। बदल डालो उस हथियार को जो कुंद हो जाए, और बदल लो उस तलवार को जो टूट जाए। और अब उन्हें दो सत्ता, जिनके सर पे पीढ़ियों से राज मुकुट न था। अपनी साम दाम दंड भेद वाली नीति से चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा तो बना दिया, किंतु वो जानता था कि आग में तपाए बिना कुंदन को भी लोग खरा नहीं मानते, और इसीलिए वो चंद्रगुप्त के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने के लिए सभी जनपदों में निमंत्रण संदेश भेज रहा था, जिससे जो चिंगारी उसने गांधार में पैदा की उसका समाचार सारे भारत खंड में आग की भांति फैल जाए। पोरस को छोड़ चाणक्य ने सभी राजाओं को चंद्रगुप्त के राज्याभिषेक समारोह में निमंत्रण भेजा था, यहां तक कि धनानंद तक को, और अब वो धनानंद की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था। चाणक्य ने अंतिम बार जब बसंतोत्सव पर हमारे राजमहल पर आक्रमण किया था, तो हमने उसके कितने समर्थकों को बंदी बनाया था? लगभग 500 लोगों को बंदी बनाया था महाराज। अरे हम तो भूल ही गए थे, उन सब को मार दो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज, 500 लोगों को मारते? यहां से लेकर व्यास नदी तक 5-5 कोस की दूरी पर उन सभी राजद्रोहियों की लाशों को लटका दिया जाए। ये प्रत्युत्तर है चाणक्य के इस निमंत्रण का। यदि वो और विस्तार करता है अपने प्रभाव क्षेत्र का, तो हम और लाशें लटकाएंगे उसी के लोगों की। फिर देखते हैं कौन पहले हार मानता है। त्रिगर्धा। सुना है तुम गांधार के राजा बन गए हो। हमारा पूरा विश्वास है चंद्रगुप्त, बादल चाहे कितने ही काले और घने क्यों ना हो, परंतु सूर्य के प्रकाश को नहीं छुपा सकते। बस अब इसी तरह तुम्हारी कीर्ति को भी चारों ओर फैलने से कोई नहीं रोक सकता। आज गांधार में तुम्हारे राज्याभिषेक का भव्य समारोह हो रहा होगा, कितना संतोष मिल रहा होगा तुम्हें। यदि हम भी वहां होते तो कितने प्रसन्न होते। परंतु कोई बात नहीं, हमें यहीं बैठे बैठे इसी बात से भरपूर आनंद मिल रहा है कि तुमने अपने लक्ष्य की पहली बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है। बस अब तुम गांधार से अखंड भारत के निर्माण का कार्य आरंभ करो, और हम मगध से अपनी क्षमता अनुसार मां भारती की सेवा करेंगे। जय मां भारती चंद्रगुप्त। जय मां भारती।
की जय। चंद्रगुप्त की जय। महाराज मौर्य की जय। चंद्रगुप्त की जय। महाराज मौर्य की जय। चंद्रगुप्त की जय। महाराज मौर्य की जय। चंद्रगुप्त की जय। आइए महाराज। कीर्तिमान बाबा, कीर्तिमान बाबा। चले आचार्य, आइए संभालिए सिंहासन। आचार्य, भिन्न भिन्न नामों से जय घोष, कभी चंद्रगुप्त तो कभी मौर्य, ऐसा क्यों आचार्य? दोनों एक ही है, चंद्रगुप्त ही मौर्य है और मौर्य ही चंद्रगुप्त। आज से हम इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानेंगे। महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की जय। 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 विराजिए महाराज। महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की जय। 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 महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की जय।
चंदू, चंदू, ऐसी भव्यता, ऐसा सुख मैंने कभी नहीं देखा अपने जीवन में मित्र। कितना भव्य है ये सब। ये सैया, ये सैया कितनी कोमल है। तू वहां क्या कर रहा है? यहां बैठ, देख इसे, सब कुछ अपने आप हो रहा है और कोई कुछ करने ही नहीं दे रहा। सब कुछ अपने आप हो रहा है, सब कुछ बिना कहे। इतना आनंद होता है राजप्रसाद में, मैं नहीं जानता था। महाराज, अब इन वस्त्रों का क्या करना है? महाराज, फेंक दो उन वस्त्रों को। नहीं, रुकिए, इन्हें संभाल कर रख दीजिए। जो आ गया। परंतु चंदू, वो हमारे पुराने वस्त्र हैं। शशांक, हमें हमारा निजी सत्य कभी नहीं भूलना चाहिए। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, और हमारा निजी सत्य यही है, ये वस्त्र। और यही निजी सत्य हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखता है। साधु चंद्रगुप्त, साधु। प्रणाम आचार्य। अब तुम राजा बन गए हो चित्रगुप्त, और एक राजा का आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस संबंध में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। ध्यान के बाद मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। राज, आपके आदेश के पहले चरण में चाणक्य के बंदी बनाए गए 5,000 लोगों को मृत्युदंड देने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है महाराज। और आप जो पत्र चाणक्य को भेजना चाहते थे वो भी भेजा जा चुका है। आज पहली बार इस बात का अनुभव हुआ है कि व्यास नदी के उस पार भी एक जगत है। तो ये है जिसे वो चाणक्य अखंड भारत कहता है। असंभव। अरे ऐसा अखंड भारत कैसे बनाएगा वो? हैं? महाराज, जितना मैं चाणक्य को जानता हूं उससे तो लगता है कि वो साम दाम दंड भेद सभी को प्रयोग में लाने वाली नीति से इन्हें जोड़कर बनाने की सोचेगा अखंड भारत। अरे भले ही वो साम दाम दंड भेद की नीति जानता हो, किंतु उसका प्रयोग करने के लिए उसे राक्षसों जैसी दृढ़ता चाहिए। जो हमारे पास है, क्या बन पाएगा वो हमारे जैसा क्रूर? अरे वो तो एक साधारण सा शिक्षक है, क्या वो हमारी तरह हंसते हंसते 10,000 लोगों की जान ले पाएगा? अरे साम दाम दंड भेद की प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकता है वो हमसे? उसके पास तो मन भी है और आत्मा भी। इस नीति में तो हम उसके छक्के छुड़ा देंगे। आमात्य, तुम ये बताओ कि उसकी अगली चाल क्या होगी?
महाराज। रुको। त्रिगड़ा। रुको। हम जानते हैं, हम बताते हैं उसकी अगली चाल क्या होगी। उसकी अगली चाल होगी हमारी जैसी विशाल सेना का निर्माण, और इसके लिए उसके पास केवल एक ही विकल्प है, और वो है पर्वतेश्वर पुरु। वो उसे अपने साथ लेने के लिए अवश्य उसके पास जाएगा, और चाणक्य उसे ऐसा प्रलोभन देगा कि वो उसे ठुकरा ना पाए। हम ये चाह कौन है, कौन है वहां? चाणक्य से इतनी घृणा क्यों करते हो कनकू? क्योंकि लोग चोरी छुपे जिस चाणक्य को बड़ा आचार्य मानते हैं, वो एक साधारण आचार्य बनने के भी योग्य नहीं है। ये बात मैं जानता हूं महाराज। एक शिक्षक की दृष्टि में सभी विद्यार्थी समान होने चाहिए, परंतु गुरुकुल में वो सिर्फ चंद्रगुप्त पर ध्यान देते थे। हम लोग तो जैसे थे ही नहीं उनके ध्यान में, इसीलिए हम सभी विद्यार्थी घृणा करते थे चाणक्य से, आज भी करते हैं। जो शिक्षा देने में पक्षपात करे वो कैसा आचार्य? फिर मैं तो एक मागध हूं, तो मेरा पहला शत्रु तो वही हो। वाह मत, बड़ा गुणी बालक पकड़ा है तुमने। उत्तम, अति उत्तम। अमात्य, तुम शीघ्रता से जाओ और पुरु से मिलो, और मलय केतु से कहो कि कुछ भी करो अमात्य, किंतु उन्हें अपने साथ ले लो। जाओ जाओ। जी महाराज। और सुनो। हाँ हाँ, वही जाओ 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 जाओ। त्रिगड़ा 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 त्रिगड़ा। इस धागे की हर गांठ, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उन नियमों की याद दिलाएगी। मैं मन, वचन और कर्म से प्रस्तुत हूं आचार्य। एक राजा को सदैव बुद्धि से शासक और मन से साधारण प्रजा का हितैषी बने रहना चाहिए। राजा वो व्यक्ति होता है जिसे बहुजन के हित में सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए चुना जाता है। प्रजा ही अपने लिए एक राजा को चुनती है, इसलिए एक सच्चा राजा वो होता है जो अपनी प्रजा के हितों के उत्तरदायित्व का वहन करता है। उसके लिए
प्रजा की सेवा और सम्मान उसके जीवन से अधिक प्रिय होते हैं। उसके लिए कठिन और अपेक्षित कार्य अपनी साधारण प्रजा में से किसी सर्वश्रेष्ठ को चुनना नहीं, अपितु उन साधारण व्यक्तियों में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बनाना होता है। एक राजा के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है पूरे देश को सफलता और समृद्धि के महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न केवल उन्हें प्रेरित करें, अपितु प्रजा के लिए ही उन्हें प्राप्त करके भी दिखाए। एक राजा को उसकी सेना अमर नहीं बनाती और ना ही उसका धन वैभव, उसे अमर बनाते हैं उसके बनाए हुए मित्र, उसके किए हुए भले कार्य, उसकी अर्जित की हुई सद्भावना और सत्यनिष्ठा। एक योग्य राजा कभी अपने शत्रुओं से नहीं डरता, अपितु शत्रु स्वयं एक राजा से डरते हैं। और एक कुशल राजा वो है जो इसी डर का अपने लाभ के लिए प्रयोग करने में सक्षम होता है। और बुद्धिमान राजा वो है जो राजा का कर्तव्य निभाते हुए भी ये कभी नहीं भूलता कि वो एक साधारण व्यक्ति ही है, जैसा कि प्रजा में एक साधारण व्यक्ति होता है। ये व्यवस्था ही है जो किसी को राजा तो किसी को प्रजा बनाती है। और यह व्यवस्था कई छोटे छोटे साधारण जनों से बनती है। इसलिए राजा जो करे जो सोचे तो साधारण जनों के हित में, प्रजा का विश्वास और समर्थन एक साधारण राजा को असाधारण शक्तिशाली और लोकप्रिय राजा बनाता है। और जब भी राज सिंहासन पर बैठो एक बात सदैव याद रखो, जब तक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाली नीति पर नहीं चलोगे सिंहासन पर बने नहीं रह पाओगे। राज सिंहासन की शक्ति लोक हित में छिपी है, अन्याय और भ्रष्टाचार पर टिका राज्य नहीं चल सकता। वचन देता हूं आचार्य, मैं सदैव आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करता रहूंगा। कल्याण आचार्य। आचार्य वो कहो, हमारे दूत ने पाटलिपुत्र में बैठे अपने एक सूत्र के सौजन्य से आवश्यक संदेश भेजा है। धनानंद ने अमात्य को पोरस के पास जाकर अपने साथ मिलाने के लिए प्रयास करने का आदेश दिया है। दूत अपने साथ आपके लिए एक पत्र भी लाया है कि धनानंद का आपके निमंत्रण पत्र का प्रत्युत्तर है। क्या हुआ आचार्य? आचार्य नहीं छोड़ूंगा उन्हें, अब नहीं छोड़ूंगा उन्हें। पीड़ा हो रही है क्या? तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ मूठ में प्रयास कर रहा हूं?
हो सकता तुम सत्य कह रहे हो। यदि तुम इस पीड़ा के कारण ही छटपटा रहे हो तो फिर मैं इतना कह सकता हूं कि आंभिक में और तुम में यही अंतर है कि वो राजा बनते ही बदल गया। उसने अपने भीतर की प्रतिशोध की ज्वाला को शांत कर दिया। वो सुख सुविधाओं का दास बनकर रह गया। किंतु भद्रसाल, तुम ऐसा मत करना। तुम अपने हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला को सदैव प्रज्वलित रखना। ये अपमानजनक कष्ट और पीड़ा जो तुम्हें चंद्रगुप्त और चाणक्य ने पहुंचाई है ना, इसे अपने हृदय में सदैव समेट कर रखना। इसे कभी मत भूलना, क्योंकि प्रतिकार लेने के लिए ये कष्ट भरी अनुभूतियां, ये अपमान, ये सब तुम्हारे बहुत काम आएंगे। अब नहीं छोड़ूंगा उन्हें, प्राण लेके रहूंगा दोनों के। बस एक बार चाणक्य और चंद्रगुप्त मेरे हाथ आ जाए, एक बार मिल जाए मुझे दोनों। अब ये कार्य तो उन्होंने स्वयं ही तुम्हारे लिए बहुत सरल कर दिया भद्रसाल। किसी साधारण व्यक्ति को खोजना कठिन कार्य हो सकता है, किंतु किसी राजा को खोजना कोई कठिन कार्य नहीं। किसी ने सत्य ही कहा है कि यदि किसी शेरनी को जाल में फंसाना हो तो उसके बच्चों पर आक्रमण करो, और यदि किसी राजा को जाल में फंसाना तो उसकी प्रजा पर आक्रमण करो। आचार्य, आचार्य हुआ क्या? धनानंद ने इस पत्र में वसंत उत्सव में बंदी बनाए हमारे उन साथियों के नाम भेजे जिन्हें उसने सार्वजनिक रूप से मृत्यु दंड दे दिया है। वो पाटलिपुत्र से व्यास नदी तक के व्यापारिक मार्ग पर हर 5 कोस की दूरी पर हमारे एक एक साथी के शव को लटकाने की योजना बनाकर ये घृणित हत्याकांड आरंभ करवा चुका है। आचार्य, हम अपने वीरों को यूं धनानंद के बदिकों के हाथों मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। हमें तुरंत अपनी सेना लेकर वहां जाना चाहिए। हम ऐसा नहीं करेंगे। यही तो चाहता है धनानंद। ये समय उत्तेजित होने का नहीं है, युक्ति से समस्या को सुलझाने का है। अपने वीरों की रक्षा के लिए जो उचित होगा मैं कर लूंगा। तुम्हारे लिए एक दूसरा कार्य है मेरे पास। वो क्या है आचार्य? मैं चाहता हूं कि महाराज पुरु के पास पहुंचने से पहले तुम अमात्य राक्षस को बीच में ही पकड़कर उनकी राजमुद्रिका चुरा लो। भविष्य के अभियान में वो हमारे बहुत काम आएगी। ये कार्य तो मैं पहले भी कर चुका हूं आचार्य, एक और बार हो जाएगा। चूंकि ऐसा पहले तुम कर चुके हो इसलिए अब यह कार्य फिर से करना उतना सरल नहीं होगा। यह निश्चित है कि अमात्य अपनी राजमुद्रिका के साथ ही यात्रा कर रहे होंगे, किंतु उस राजमुद्रिका को इस बार उन्होंने कहां और कैसे छिपाया होगा यह कोई नहीं जानता होगा। इसलिए पहले तुम्हें यह पता लगाना है कि वो राजमुद्रिका है कहां। यही बड़ा कार्य हुआ। और फिर राजमुद्रिका को इस तरह से चुराना है कि अमात्य को इसका पता ही ना चले, अर्थात उसे बिना चुराए ही चुराना है, अन्यथा अमात्य अपनी राजमुद्रिका बदल देंगे। किंतु आचार्य, मैं बिना चुराए कैसे चुराऊंगा अमात्य की राजमुद्रिका?
ये एक विशेष प्रकार की मिट्टी है। किसी भी वस्तु को यदि बल लगाकर इसके विरुद्ध दबाया जाए तो उसकी रूपरेखा इस पर उभर आती है। अब तुम्हें करना यह है कि तुम्हें अमात्य राक्षस की राजमुद्रिका की रूपरेखा इस पर लेनी है और फिर उसके छाप की सहायता से हम ठीक वैसी ही एक मुद्रिका बनवा लेंगे। किंतु ध्यान रहे, अमात्य को इसकी भनक नहीं पड़नी चाहिए। अब तुम ये कैसे करोगे तुम जानो। आचार्य कैसे भी कुछ भी करके मैं अमात्य की राजमुद्रा की छाप आपको ला कर दूंगा, किंतु वहां पाटलिपुत्र में हमारे साथियों के प्राणों की रक्षा कैसे होगी आचार्य? चिंता मत करो चंद्रगुप्त, उन्हें वहां से मुक्त कराने का मार्ग मैं निकाल लूंगा। सूर्याय नमः, 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 सूर्याय नमः। कौन कौन हो तुम? चिल्लाइए मत राजकुमारी जी, मुझे आचार्य चाणक्य ने भेजा है, मैं उनका शिष्य हूँ। आचार्य चाणक्य ने आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा है। आपके पिता महाराज धनानंद चंद्रगुप्त की सेना से बंदी बनाए हुए सैनिकों को निर्दयता से मार रहे हैं। आचार्य ने कहलवाया है कि आपके लिए माँ भारती की सेवा का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। इस बार जब तुम फिर से पाटलिपुत्र के राजमहल गए थे तो वहां राजकुमारी दुर्धरा से मिलने का अवसर मिल पाया तुम्हें? नहीं, मन में एक बार भी उनसे मिलने की इच्छा नहीं हुई? इसका अर्थ ये हुआ कि तुम उस कष्टप्रद मानसिक स्थिति से उभर चुके हो। चंद्रगुप्त, तुम उससे कहीं श्रेष्ठ अनुभूति के योग्य हो, मुझे विश्वास है तुम्हें अवश्य ही सच्चा प्रेम मिलेगा। जानता हूं मिलेगा प्रेम, किंतु इस समय मेरा प्रथम प्रेम मेरे राष्ट्र से है। चंदू,
क्या करें, कैसे बचाएं इन बंदियों को, खुद समझ में नहीं आ रहा। आशा करती हूँ आपके एकांत में बिना पूछे प्रवेश कर आपका कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते। राजकुमारी नयनतारा, राजकुमारी कैसा सुखद आश्चर्य है ये, आप कपिलवस्तु से कब आई और कैसे आना हुआ? आपके विवाह समारोह में जो दुर्भाग्यपूर्ण जन संहार हुआ उसके लिए संवेदना व्यक्त करने मैं स्वयं यहां आई हूं। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। वैसे भी वो विवाह हम करना ही नहीं चाहते थे, हम किसी और से प्रेम करते हैं। क्या आप किसी और से प्रेम करती हैं? कौन है वो? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त अर्थात गांधार नरेश, चंद्रगुप्त मौर्य? हाँ, पर अखंड भारत के अभियान के लिए वो जो कुछ कर रहा है उसके कारण पिताश्री उसके विरुद्ध हैं। परंतु हम सदा अपने प्रेम का ही साथ देंगे और उसके इस अभियान में उसका अंग बने रहेंगे। कभी अवसर मिला तो मैं भी उसके अखंड भारत निर्माण के अभियान का अंग बनना चाहूंगी। तुम सच कह रही हो? क्या तुम हमारी सहायता करोगे? तुमने तो सुना ही होगा हमारे पिताश्री चंद्रगुप्त के बंदी बनाए सैनिकों को कैसे चुन चुन के मार रहे हैं। हाँ, जिस तरह से उन्होंने बंदियों को मारा है वो है तो अमानवीय। पाटलिपुत्र की काल कोठरियों में चंद्रगुप्त के और भी कई साथी हैं। हम बस उनको मुक्त कराकर इस अभियान में चंद्रगुप्त की सहायता करना चाहते हैं। यदि ऐसी बात है राजकुमारी तो यह नयनतारा भी आपके साथ है। हमारे पास मात्र आज की रात है। प्रणाम अमात्य जी, ये हमारी पत्नी कांता। प्रणाम। आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे सराय में मगध के अमात्य प्रमुख अमात्य राक्षस जी के चरण पड़े हैं। एक विनती लेकर आए हैं आपके पास। हमने आपके सम्मान में एक भोज का आयोजन किया है। आशा करते हैं कि श्रीमान उस भोज में पधार कर हमें कृतार्थ करेंगे। आइए। श्रीमान जी, सराय के सभी कर्मचारियों को स्पष्ट कह दिया है कि अतिथि से 10 गुण अधिक ले लो, मांग के ले लो, किंतु भोजन उन्हें स्वादिष्ट दो। इस पूरे व्यापारिक मार्ग में किसी भी सराय में हमसे स्वादिष्ट भोजन यदि कहीं मिल जाए तो हम आपके दास बन जाएंगे। चलिए अंदर चलते हैं। हमारे सराय की विशेषताएं हैं ये, अच्छा भोजन, अच्छी शयन व्यवस्थाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ अतिथि आए और आनंद करें। यदि जीवन में आनंद ही नहीं तो जीवन क्या। विराजी श्रीमान, आपके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अरे अरे, लाओ लाओ, भोजन लेकर आओ। Thank you.
क्या देख रहा है, जा अपना काम कर। राजकुमारी जी की जय हो। जय हमारी नहीं, उस धरती माँ की बोलो जो हम सबको आश्रय देती है। बोलो जय माँ भारती। तुमने सुना नहीं, जय माँ भारती। जय जय माँ भारती। अब एक महत्वपूर्ण सूचना, हम यहाँ तुम्हारे लिए महाराज का आदेश लेकर आए हैं। ये हमारी मित्र नयनतारा कपिल वस्तु से आए। हमारे शत्रु चंद्रगुप्त ने इनके राज्य के कई नागरिकों को बलपूर्वक अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया था। महाराज का आदेश है कि इनके सभी नागरिकों को इन्हें लौटा दिया जाए, जिससे नियम अनुसार उन सब पर कार्रवाई हो सके। लेकिन वो राजकुमारी जी, कोई समस्या? नहीं, समस्या तो कोई नहीं है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई राजकीय आदेश अभी तक तो आया नहीं है। अर्थात तुम कहना चाहते हो कि हम झूठ बोल रहे हैं? देखो, तुम हमारी अतिथि मित्र के सामने हमें अपमानित कर रहे हो। हम स्वयं चलकर तुम्हारे पास महाराज का आदेश लेकर आए हैं। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? सोच लो, यदि हमारे कहने के उपरांत भी तुमने ये आदेश नहीं माना, तो इसी क्षण हमारे साथ चलकर क्या तुम महाराज से ये आदेश सत्यापित करवाना चाहोगे? नहीं नहीं राजकुमारी जी, आप कहती हैं तो ठीक है, चलिए मैं आपको बंदी गृह लेकर चलता हूँ। उचित। चलिए। राजकुमारी जी, आप अपने लोगों को चिन्हित कर लीजिए, मैं कुछ अंतराल के बाद पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ। मेरे वापस आने से पहले इनमें से कोई जाने ना पाए, क्योंकि इनके जाने से पहले आदेश का सत्यापन तो करना ही होगा ना। ये कहाँ हूँ मैं? कौन है वहाँ?
कौन है वहां? मेरा अपहरण करने का दुस्साहस किसने किया? जानते हो कि मैं हूं कौन? हाँ हाँ जानता हूं तू कौन है बूढ़े, अच्छे से जानता हूं तू कौन है। तू है वही कपटी हीरा व्यापारी लक्ष्मीधर। मूर्ख, तुझे पता ही नहीं कि मैं हूं कौन। मैं लक्ष्मीधर नहीं हूं, मैं मगध का अमात्य प्रमुख अमात्य राक्षस हूं। चुपचाप मुझे छोड़ दो, अन्यथा प्रयास प्रयास अच्छा है बचने का बूढ़े, किंतु ये तो तू स्वयं भी जानता है कि तू है तो वही लक्ष्मीधर जिसने धन तो लिया किंतु हीरे नहीं दिए, छल किया हमारे कबीले के साथ। अब तेरे परिजनों को सूचना भिजवा दी है मैंने, या तो कल भोर हीरे देकर तुझे ले जाएंगे, अन्यथा कल भोर होते ही मार डालूंगा तुझे। देखो मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, किंतु तुमने मुझे समझने में बहुत बड़ी भूल की है। मैं लक्ष्मीधर नहीं हूं, मैं तो अमात्य राक्षस हूं। अमात्य राक्षस? हर चोर पकड़े जाने पर यही बोलता है कि वो चोर नहीं है, किंतु मेरे सूत्र से कभी चूक नहीं हो सकती। मैं जानता हूं तू वही है कपटी लक्ष्मीधर। मैं लक्ष्मीधर नहीं हूं, मैं अमात्य राक्षस हूं, और ये बात मैं सिद्ध कर सकता हूं। सिद्ध करने की बात छोड़ बूढ़े, और ईश्वर से प्रार्थना कर कि समय रहते तेरे परिजन हीरे लौटा दे, अन्यथा कल भोर होते ही मार डालूंगा तुझे। सुनो मेरी बात पर विश्वास करो, मैं अमात्य राक्षस हूं, लक्ष्मीधर नहीं हूं मैं। सुन अच्छा प्रयास था लक्ष्मीधर। ठीक है, मैं अभी तुम्हें सिद्ध करके बताता हूं कि मैं कौन हूं। अ-
ये क्या कर रहे हो लक्ष्मीधर? हमारे प्रमुख मुझसे गलती हो गई, हमारे प्रमुख से मुझे क्षमा कर दो। कनकु जी, इतनी रात गए आपको कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। महाराज सो रहे हैं और आमात्य प्रमुख नगर में है नहीं, और अचानक ऐसी आपात स्थिति आ गई है, इसलिए रात को मुझे आपको कष्ट देने आना पड़ा। राजकुमारी जी, कोई भी चिन्ह या क्षेत्रीय पहचान से आप कपिल वस्तु के लोगों को अन्य बंदियों से अलग कर सकती हैं। नाम, संभवतः नाम से कार्य हो जाएगा। देखो, कपिल वस्तु के जिन जिन नागरिकों का नाम ये लेंगी तुम उन्हें मुक्त कर सकते हो। तुमने ठीक से राजकुमारी दुर्धरा का सत्यापन कर लिया है। राजकुमारी का सत्यापन क्या करना है, उन्हें तो मैं उनके बचपन से देखता आ रहा हूँ। तो फिर समस्या क्या है कार्यग्रह अधिकारी जी? यदि आपने राजकुमारी दुर्धरा का सत्यापन कर लिया है तो फिर राजकुमारी के अधिकारों को मगध में कौन चुनौती दे सकता है? यदि वो कह रही हैं कि ये महाराज का आदेश है तो ये महाराज का आदेश है। जैसा आपका आदेश। आचार्य आनंद, गिरीश, नागेंद्र, बटुपाध्याय, वासुदेव, सूर्यकांत, नागेंद्र, बटुकेश्वर, कीर्तिमुख, कीर्तिदत्त, अभिराम, उज्जवलदीप, हरिनारायण, नागेंद्र, चंद्रकांत, चंद्रमौली, गिरजाधर, गौरीशंकर, भूदेव, बसंत, अमात्य, अमात्य, ठीक है कि मूर्छित हो गए, मूर्छित हो गए। इनके अतिरिक्त सब बचे हुए बंदी हमारी ओर से नयनतारा को उपहार। अब ये सब बंदी हमारे साथ चलेंगे, अभी इसी समय। Ha ha ha!
यहाँ आया कैसे? कौन लाया मुझे? कौन लाया? मैं लाया मात्य आपको यहाँ। तुम? हाँ, आप वहां मूर्छित हो गए थे और भला ऐसी अवस्था में मैं आपको वहां कैसे छोड़ सकता था मात्य। अपने प्राणों का मोह त्याग कर मैंने बड़ी कठिनाई से आपको उनके चंगुल से बचाया है मात्य। हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद, हम तुम्हें पुरस्कृत करेंगे। नहीं नहीं अमात्य, मुझ बूढ़े को पुरस्कार की क्या आवश्यकता। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो इसे तो इन्हें दीजिए, इस बेचारे सज्जन को, ताकि जो इसकी ये क्षति हुई है उसकी थोड़ी बहुत भरपाई हो जाए। मत रो, सब ठीक हो जाएगा। बस अब इन बंदियों को तुम मगध से बाहर ले जाकर मुक्त कर दो। चिंता मत करो राजकुमारी, समझो ये कार्य हो गया। तुम्हारा ये उपकार हम जीवन भर याद रखेंगे नयनतारा। उपकार तो तुमने मुझ पर किया है, मातृभूमि के सेवा का अवसर देकर। अपना ध्यान रखना। जय मां भारती। जय मां भारती। पुत्र में जो हमारे साथी सैनिक बंदी बनाए गए थे सब मुक्त हो गए। और जानते हो चंद्रगुप्त, किसने किया यह कार्य? किसने आचार्य? दुर्धरा ने। Thank you.
आचार्य, जैसा आप चाहते थे हम अमात्य की राज मुद्रा की छाप तो ले आए, किंतु इसका उपयोग कैसे करेंगे हम? महत्व किसी भी वस्तु का नहीं, उसके पीछे छिपे मूल्य का होता है, अधिकार का होता है। मगध सत्ता का अधिकार है इसका सच्चा मूल्य। ये होगा दाम, साम दाम दंड भेद की नीति का महत्वपूर्ण अंग है दाम। ये हमारे लिए ऐसी कुंजी का कार्य करेगी जिसकी सहायता से कई बंद द्वार खुल जाएंगे, और खुलने भी चाहिए। अब देखते जाओ कैसे मैं इस दाम का प्रयोग करता हूं। अखंड भारत के निर्माण में अमात्य राक्षस की राज मुद्रा का प्रयोग हम एक अचूक शस्त्र के रूप में करेंगे।